हरि ओम पिला माने हमें जी इतिहास रो सप्तम अध्याय रिवीजन करबा को जीवा जहार शीर्षक होची कोन पारस्य और ग्रीक आक्रमण हला पारस्य और ग्रीक आक्रमण विषय में जानबा कि परी पारस्य और ग्रीक मध्ये आक्रमण हितला यार फल कोन हितला हम पढीचे आज रिवीजन हिसाब लबा म किछि क्वेश्चन खली कहि देबी पिले से क्वेश्चन पर आलोचना करू तो जी पारस्य सम्राट प्रथम अध्याय काहे कि भारत आक्रमण करथिले पारस्य सम्राट पारस्य सम्राट प्रथम डेरेस काहे के भारत का कौन थे काहे कि भारत आक्रमण कर पारस्य सम्राट प्रथम कारण बिले अतीत रे भारत को सुनार देश बोली कह जाउथला कोठी कि नहीं भारत देश सुनार देश बोली कह जाउथला तो एही देश रे सर संपत्ति परिपूर्ण थिला वैदेशिक शक्ति माने भारत रो धन रत्न पाइबा तथा राज्य विस्तार करबा उद्देश्य रे भारत आक्रमण करथिले पारस्य रो प्रथम डेरेस ख्रीष्टपूर्व 522 रे पारस्य शासनभार ग्रहण करिवे रे धन लोभ रे आकर्षित होई भारत रो उत्तर पश्चिम अंचल आक्रमण करथिले तले केते बेले प्ले ना 522 रे ख्रीष्टपूर्व 522 रे सेठरे कोनोसी शक्तिशाली शासक नथिबारु डेरायस पंजाब सिंधु प्रदेश और सिंधु नदी रो पश्चिम अंचल कोन बोले ना प्रचुर कर आदाय करथिले तले प्ले तो द्वितीय प्रश्न जीबा अलेक्जेंडर भारत आक्रमण करबे कारण कोन थिले देखिए बोले अलेक्जेंडर प्रथम बोले अलेक्जेंडर ये जो क्वेश्चन खाता लिखे और रिवीजन लगी यार आंसर कर दो ना अलेक्जेंडर भारत को आक्रमण करी करो अलेक्जेंडर भारत आक्रमण करिवार कारण कौन थी तो बोले तो अलेक्जेंडर जो भारत आक्रमण के लिए कारण कौन थी विषय पर पूर्व बुझीचे आज आलोचना कर दबा जे ख्रीष्टपूर्व 326 रे खाइबर गिरिपथ दे अलेक्जेंडर भारत को प्रवेश कले ओ उत्तर पश्चिमांचल सीमांत प्रदेश गुड़ी को आक्रमण कले को अंचल ना उत्तर पश्चिमांचल सीमांत सीमार अंतर सीमार अंचल कौन कले सी आक्रमण कले जिते बड़े भारत उत्तर पश्चिम गांधार कांबोज भनेक छोट छोट राज्य गठित होता जो मान एकता नाला से कौन से परस्पर अनवरत कल लिप्त रखुले कौन कले ना सुजोग नहीं सुजोग नहीं कौन से भारत आक्रमण करते किए करते ना अलेक्जेंडर भारत आक्रमण करते कौन पाइबले जिते बड़े बनी थी भारत उत्तर पश्चिम गांधार कांबोज भाई अनेक छोट छोट राज्य गठित होता जो मानते एकता ना से एकता ना कारण गांधी कौन कले ना अशोक यार फायदा उठे सुजोग नहीं कौन कले ना से भारत आक्रमण करते बुझे तृतीय प्रश्न देखिए पुरु किए हला पुरु किए आले जनन को सही तंकर कौन पकड़ थे आले जनन को सहित तंकर कौन संपर्क तो बोले पुरु किए थे क्या सहित ना अलेक्जेंडर सहित कौन संपर्क अलेक्जेंडर को भारत आक्रमण समय सिंधु विचस्ता नदी अपर पार्श्व पौरव राजवंश राजा पुरु राजत्व करिए पौरव राजवंश राजा
राजा पुरु राजत्व करथिले हला हाइड्रोस्पेस नामक युद्ध मित्र रे पुरु को सैन्य ओ अलेक्जेंडर को सैन्य अलेक्जेंडर को ग्रीक सैन्य मानक मध्य रे विश्व युद्ध कारण मिले ना पुरु को सैन्य एवं अलेक्जेंडर सैन्य मध्य को स्थान रे ना हाइड्रोस्पेस नामक युद्ध क्षेत्र रे से माने परस्पर मुहांमुही थिले एवं विश्व युद्ध मध्य होइथिले तो एही युद्ध रे गुरुतर भाबरे आहत भी मध्य पुरु शेष पर्यंत युद्ध करी शेष रे बंदी होइथिले ता सहित ना अलेक्जेंडर सहित शेष पर्यंत युद्ध करी से शेष रे बंदी होइथिले अलेक्जेंडर एही युद्ध रे के आहत गुरुतर आहत होइथिले पुरु अलेक्जेंडर को प्रश्न थिला पुरु तांके थारु किभली व्यवहार आशा करनि मी से प्रश्न करथिले कि पुरु तुमे किभली मोटर आशा व्यवहार आशा करछ से समय पे कौन थी ना यार उत्तर ने निर्भीक भाव में पुरु कही जड़े राजा आउ जो राजा जेपर व्यवहार आशा करती मुझे व्यवहार आशा कै किए कहते निर्भीक भाव भयहीन भाव से उत्तर देते पुरु वीरत्व और चतुरतार खुशी हुई आलेक्जेंडर निज बंधु रूप स्वीकार कर सम्मान राज्य फेर निजर सब प्रत्यावर्तन कर प्रश्न करते तुम्हें मोटर किभार आशा कर अलेक्जेंडर को पुरु उत्तर देते जन राजा आउ जो राज्य व्यवहार आशा कर उत्तर सन्तुष्ट हो आलेक्जेंडर बंधुत्व स्वीकार करते निज राज्य को फेरी बुझे विषय बुझे आराम आंसर लिखी पार तो अलेक्जेंडर को आक्रमण फलाफल कौन था सतर प्रश्न जाए जांडर को आक्रमण फलाफल कौन था जो आलेन आक्रमण करते भारत आक्रमण फलाफल कौन था ना आलेन को आक्रमण फलाफल सुदूर प्रसारी भारतीय समाज को गभीर भाव प्रभावित को आक्रमण भारत में राजनीतिक एकता आने कला भारत एक विशाल मौर्य साम्राज्य गठन होगा संभव होता कौटी ना भारत एक मौर्य साम्राज्य प्रतिष्ठा करते से विस्तार भाव सहायक होता यही आक्रमण द्वारा भारत और यूरोप मध्य वाणिज्य प्रसार होता क्या ना भारत और यूरोप मध्य भारत और ग्रीक राज्य मध्य सांस्कृतिक संपर्क स्थापित होता नुह पूर्व भारत और ग्रीस मध्य एकमात्र स्थलपथ था यही आक्रमण फल स्थलपथ और गोटे जलपथ आविष्कृत आक्रमण फल आलेक्जेंडर भारत आक्रमण फल कौन थी ना तीनो जलपथ और गोटे तीनो स्थलपथ गोटे जलपथ आविष्कृत होता मोट पर कह अलेक्जेंडर आक्रमण आक्रमण द्वारा प्राच्य और पाश्चात्य देश मान संपर्क स्थापित हो पारी बुझे तो चार लंग क्वेश्चन आलोचना कली तुम्हें पुनः विश्व भाला बुझे अवश्य प्रश्न निजे एजेंडे उठाए पे प्रश्न गुड़िक उत्तर एजोल्ड लेख ओ मने अच्छी।